कुछ अज्यूम नहीं करना दिमाग से, अगर आप ये बात समझ गए तो आपके लिए ना बहुत ज्यादा सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, वरना आप बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में फंसे रहेंगे। आसान काम नहीं है सोशल मीडिया मार्केटिंग, कस्टमर को से सेल्स लाना आसान काम नहीं है। सारा का सारा काम इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने किसी को बगैर पैसे लिए उसको अपफ्रंट वैल्यू कैसे दे दी। एक बंदे ने जिसने बगैर पैसे लिए किसी को अपफ्रंट वैल्यू दे दी वो ज्यादा सेल्स कर सकता है, या वो बंदा या जो जो सिर्फ और सिर्फ चीज बेचने की कोशिश कर रहा और वैल्यू दे नहीं रहा, कौन कौन बिजनेस करेगा? ठीक है, अब इस बात को और अच्छी तरह समझ लेंगे। हमारी वीडियोस देखी पैसों से पहले या पैसों के बाद? तो क्यों बैठे हैं यहाँ पे? हमने आपसे पैसे भी लेने से पहले आपको नॉलेज का बहुत सारी चीजें दे चुके थे हम आपको अपफ्रंट वैल्यू और अपफ्रंट एजुकेट कर रहे थे। सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखनी है ना? सीखनी है तो सोशल मीडिया मार्केटिंग को सीखने से पहले सबसे पहले इस मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करना है कि आप मेरे पास कैसे बैठे हैं। जब मैं आपको इससे पहले मिले ही नहीं, आप मुझे आज मिले, इससे पहले तो नहीं मिले, मेरे कजन है, कोई रिलेटिव है, कैसे पहुंचे? टूल्स क्या है नहीं मैटर करता, टूल तो चल जाएगा, लेकिन हमने सीखना यह है कि जब हम किसी को बगैर पैसे दिए अपफ्रंट वैल्यू देते हैं, कि अब बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे पास नहीं भी पहुंचते लेकिन देयर मेकिंग मनी, वो आते नहीं हमारे तक, पहुंचते भी हैं, फ्री कोर्सेज भी देख लेते हैं उधर से ही, शायद उनका 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 फ्री का थोड़ा डिफरेंट होगा ना, शायद भी अच्छे स्कूल से पढ़ लिया हो या पैसा कुछ ज्यादा हो या कुछ और भी हो सकता है, आपके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, आप फिजिकली समझना चाहते हैं, देख के जरा सीखना चाहते हैं आप इधर आगे, लेकिन अपफ्रंट वैल्यू इसको इसको मसला ये है कि कोई बंदा भी बिजनेस वाला किसी को कोई चीज पहले देना ही नहीं चाहता, तो जब आपके अंदर ये जिगरे ही नहीं होगा कि आप किसी को कुछ बेचने से पहले उसको बहुत सारा कुछ दें, तो उसके साथ आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है। होता क्या है, जब जब आपको मैंने अपफ्रंट वैल्यू दी, गौर से सुने बड़े गौर से, कि काम है सारा इसका और इसका, इंसान का इस तरह ही तालुक है ना, और तो कोई तालुक नहीं। जब मैंने आपको अपफ्रंट वैल्यू दी तो आपके दिलों में मैंने जगह बनाई, मैं वो करता था, मैंने आपको लिया तो नहीं लेकिन पहले ही वैल्यू दे दी आपको, तो अब क्या मतलब, अब तो आप मुझे मान लेंगे ना, आपके दिल में जगह बनाई गई, नहीं यार जाहिर है सामने पहले देखा, पहली बार मुझे हम वैल्यू मिली है। तो सोशल मीडिया और अभी इंटरनेट का जो सारा मैकेनिज्म है ना वो इसके अंदर रिलाई करता है, टूल पेज पेजन पीडीए बटन सेटिंग ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस कोई कैंपेन, ये सब एक्स्ट्रा बुलशिट है अगर आप ये पॉइंट नहीं अंडरस्टैंड कर सके कि इंटरनेट पे जीतने के लिए आपने हर सूरत में हमेशा ऑलवेज किसी भी प्रोडक्ट के लिए किसी भी सर्विस के लिए ऐसा फॉर्मूला डिजाइन करना है जिसमें आप उससे पैसे लेने से पहले उसको आप हेल्प कर दें। जब उसका फायदा हो गया, मकसद क्या है उसका फायदा करना, जब उसका फायदा हो गया तो आप तो पहले जीते हुए हैं, बाद में तो बहुत ही बात है। अगर पाकिस्तान में लोग हमारा कंटेंट देख रहे हैं, मुझे एक महीने में और से सुने जरा नंबर सुने तक नंबर ना सोचने हैं आपने, उनके जीरो भी सोचने हैं और से सुनना है, मुझे एक महीने में पाकिस्तान के अंदर 1,27,00,000 लोग देखते हैं, मुझे एक महीने में पाकिस्तान के अंदर 1,27,00,000 लोग देखते हैं। कैसे देखते हैं? इंटरनेट पे। कैसे देखते हैं? वैल्यू दी हुई है, तो मैं तो पहले जीता हुआ हूँ ना। अभी जो हमारे आज के 8 महीने बाद वाले बैचेस भी जो होंगे फॉर एग्जाम्पल, वो भी ऑलरेडी जो उनसे प्लान हो गए हैं ना पहले, तो मैं आपको कहीं और से नहीं, मैं चाहता कि और किसी और मॉडल से सीख रहे हो आप, पहले आप इसको यहीं से सीखें, समझें कैसे हुआ। आप कौन है मुझे नहीं पता, आप कौन है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता आप कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन आप सबको पता कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो इसको मेक श्योर करना है, आपकी हार तब होगी जब आप अपफ्रंट वैल्यू प्लान नहीं करेंगे। अगर मिसाल के तौर पर कैसे इस मॉडल में तो हो गया, अगर कोई बंदा आपको मिल जाता है जी डेंटिस्ट मिल गया, आपको आपके आपके कजन है, वो कहता है यार तुम ये जो सोशल मीडिया की प्रैक्टिस करनी है ना मेरे मेरे क्लिनिक पे कर दो, लेट्स गो। ठीक है, डेंटिस्ट है जी, उसको समझाएं पहली चीज कि भाई डेंटिस्ट की सर्विसेज की पोस्ट पर आके उनको डालने से तुम्हें क्लाइंट नहीं मिलने लगा, तुम कॉन्टेंट ऐसा बनाओ, अगर तुम्हें कुछ आता है वाकई तो ऐसा कंटेंट, ऐसी वीडियो 1 मिनट की 2 मिनट की 3 मिनट की 4 मिनट की वीडियोस मुसलसल ऐसी बनाओ जो आपकी
एक्यूरेट ऑडियंस के मसाइल है वो पहले हल करो। जब तुम उनके मसाइल हल करोगे कि जी अगर आपको सुबह उठ के ये मसला होता है, जी रात को अगर आपको गरारे करने पड़ते हैं तो ऐसे करें, सुबह ये करना होता है ऐसे करें, रात को ऐसे कर लें, दोपहर को ऐसे कर लें, शाम को ऐसे कर लें, धागा पकड़े ऐसे कर लें, ये करें, तो जितने भी उसको कॉमन, इसको बोलते हैं इसका इसकी टर्मिनोलॉजी होती है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अब उसके पास जब उसकी ऑडियंस आती है कुछ सवाल बार बार पूछती है कि नहीं, कुछ सवाल तो होंगे बार बार पूछेंगे, तो वो बार बार बस उनको बताता है, तो बार बार बताने का क्या फायदा, वो उनकी उस डाटा को इकट्ठा करे और उनकी वीडियो बनाना शुरू कर दे। अब जब एक घर में बंदा बैठा हुआ है और उसका मसला अगर अब्दुल लतीफ डॉक्टर साहब ने अगर हल कर दिया घर बैठे ही, तो वो डॉक्टर उसको अच्छा लगेगा नहीं, तो सेल्स होंगी ना, तो ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ये बात टोटल अंडरस्टैंड करें, वेरी नाइस। हमने प्रॉब्लम सॉल्व करना है।